तो इस वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन जिसमें बहुत ही कम समय में आप कुछ अच्छा सा टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं जो कि देखने में भी अच्छा है, अपीलिंग भी है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि इस तरह के सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलर आपको मिलते रहें। तो चलते कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ पे हम डिजाइन करने वाले हैं, कुछ इमेजेस से रिलेटेड वर्क करने वाले हैं। तो कैसे इन सभी इमेज को अरेंज किया जाए, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मैं एक इमेज को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इस इमेज को जो है स्केल कर लेंगे हम अपने अकॉर्डिंग, इसकी ओपेसिटी को थोड़ी कम करेंगे बिकॉज हम यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड है इसे भी देखना चाहते हैं। मेरे पास एक ऐसा इमेज है जिसमें पहले से ही वैसे फोल्डेड टाइप के पेपर्स के कटिंग्स ऑलरेडी हैं। अगर आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी है, उसको बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड पे आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। ओपेसिटी कम करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि बैकग्राउंड पे जो पोजिशनिंग है वो हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकें। जैसे ये जो मॉडल है इसका जो पोजिशन है, जैसे फेस का कोई पार्ट है वो किस तरह से हमें बैकग्राउंड पे दिखाना है, ओवरऑल जो है हम ये सेट कर देंगे ओपेसिटी को कम करके ताकि हमें पता चल सके। ओके, देखो इस तरह से हम ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड पे आपका ऑलरेडी ये वर्क है, मेरे पास ये पहले से इमेज है। आप चाहे तो unsplash.com से इन सभी इमेजेस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहीं से ये सारे चीजें डाउनलोड करी हैं, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पेन टूल हम यूज करेंगे और सिलेक्शन करेंगे आउटलाइंस का। देखो दो पार्ट में इसका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले पेन टूल से आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। पी शॉर्टकट है पेन टूल यूज करने का, आप पी बटन को प्रेस करके यूज कर सकते हैं और अल्ट बटन को होल्ड करके जो नोट्स एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे नोट बन रहा है तो हम अल्ट बटन को होल्ड करेंगे और क्लिक करेंगे तो जो नोड है वो हट जाएगा। नोड हमें बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, मतलब कि जब हम उसको थोड़ा सा माउस को ड्रैग करते हैं तो एक जब कर्वेचर कहीं पे क्रिएट करना है तो उसमें हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर वो रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है तो फिर आप सिंपली क्लिक क्लिक करेंगे तो पेन टूल बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि पेन टूल में कैसे काम करना है तो वो भी मैंने वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो भी छोटे छोटे हमारे पास पेज के कटिंग यानी पेपर कटिंग्स हैं, जिन सभी को मिला करके हम इमेज को प्लेस करें बनाएंगे प्लेस करेंगे, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में थंबनेल्स पे देखा होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसका जो आउटलाइन है उसका सिलेक्शन हम कर लें। वैसे तो सिलेक्शन करने के कई सारे तरीके हैं, या तो आप पेन टूल यूज़ करो या फिर और भी कई सारे क्विक सिलेक्शन टूल है, इससे भी आप कर सकते हैं। लैसो टूल है, इससे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा लगता है और इसका जो ऑप्शन है वो आपको काफी मतलब कन्वीनियंट है, इसकी वजह से मैं हमेशा पेन टूल रिकमेंड करता हूँ और फिनिशिंग भी अच्छा आएगा आपका इससे, है ना। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं और कोई भी टूल आप यूज करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा आप जो है क्वालिटी की बात अगर करें तो थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम वहां पे देखने को मिल जाता है। तो आपको इस तरह से प्रॉपर वन बाय वन करके सभी चीज़ों को कट करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो मैं इसे जल्दी से पार कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम लगेगा, आप इसको आराम से अच्छे से कट कर लोगे। इस तरह से आपको जितने भी हैं सभी का कटिंग का सिलेक्शन कर लेना है, एक बार आप चेक कर लेंगे और इसके बाद जो है इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि पेन टूल से हमने पहले रीजन डिफाइन कर दिया कि कौन सा पार्ट हमारा है। कंट्रोल एंटर बटन कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे, शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल एंटर, इससे जो हमने एरिया जो डिफाइन करा था वो सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है इसमें हम यूज कर सकते हैं कट और पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स फॉर कट कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ठीक है। इस तरह से एग्जैक्टली उसके ऊपर में आ जाएगा। और इसको सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से पेन टूल यूज करेंगे और हम क्या करेंगे एक आउटलाइन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिसपे देखिए ऑन ऑफ करके हमने चेक कर लिया, विजिबिलिटी ऑन ऑफ करके चेक कर लेंगे, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करेंगे तो आउटर एजेस जो है उसका सिलेक्शन एक साथ हो जाता है। और यहाँ पे जो है ऑप्शंस हैं कई सारे, यहाँ पे मास्क हम कर दे रहे हैं। मास्क का कंसेप्ट तो आपको पता होगा और अगर आपको नहीं पता तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने मास्किंग को डिटेल में बताया है। मास्क का बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो भी ब्लैक का पार्ट होता है वो हाइड हो जाता है, जो व्हाइट है वो विजिबल होता है।
तो पेन टूल से जो है हम मास्क का भी हम इसलिए यूज करेंगे, मास्क में जब चाहो आप मतलब उसको विजिबल हाइड और अनहाइड वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ब्रश टूल को यूज करके, ब्लैक जो हाइड करेगा। तो पेन टूल यहाँ से यूज करके हम एक रीजन डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी फोटोग्राफ है उसमें अगर हम साइड में जो एजेस है वो व्हाइट कलर के एजेस या फिर जो कलरफुल एजेस है वो अगर क्रिएट करते हैं तो वो इन सभी कटिंग्स में काफी अच्छा लगता है। अगर आप पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ देखे हैं तो आपको पता होगा कि उसमें साइड में जो बॉर्डर है वो बहुत जरूरी है, उससे उसका अपियरेंस काफी अच्छा हो जाता है। अगर हम बॉर्डर को कट कर दे हटा दे तो उसका अपियरेंस जो है वो थोड़ा डल हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले जो है आपको पेन टूल से फिर से एक बार सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करना, ठीक है। और अगर आप चाहते तो एक साथ ये भी कर लेते कि डायरेक्ट आप इसी चीज को कर लेते हैं, आप कर सकते हो, बट मैंने ये दोनों स्टेप्स इसलिए बताया आपको, मतलब पहले मैंने पूरा कट करके बताया कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे एक ऑप्शन मैंने बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले को कट करके रख लो, या फिर आप चाहो तो बाहर और अंदर दोनों को रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये दोनों ऑप्शंस आपको बता दिए। देखो इसमें कई सारी चीजें आ गई, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो इस तरह से इस कंसेप्ट को यूज करके और भी कई सारे जो डिजाइन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। चाहे किसी हार्ट शेप का अगर हमें कोलाज बनाना है, कई सारे डिफरेंट पर्सन्स हैं, या फिर कोई इवेंट है जिसको हमें कैप्चर करना है और उसका जो है फोटोग्राफ का कोलाज वो कुछ इस तरीके से बनाना है तो हम लोग कर सकते हैं। या फिर कोई बर्थडे का कोई बच्चा है उसको बर्थडे में उसको गिफ्ट देना है तो वो एक कोलाज बनाना है उस बच्चे का, ठीक है। तो वो भी चीजें सेट की जा सकती है। यू तो कोलाज से रिलेटेड मैंने वीडियोस अभी वैसा कुछ नहीं बनाया है, प्लेलिस्ट पे नहीं है, बट हाँ मैं कुछ दिनों में जल्दी से बना के अपलोड कर दूंगा, और फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप देखेंगे तब तक शायद आपको मिल भी जाए। तो प्लेलिस्ट पे इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे पेन टूल से सबसे पहले सिलेक्शन कर लेना है, जल्दी से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार आपने इस तरह से सभी का सिलेक्शन कर लिया है, मतलब पेन टूल से आपने रीजन डिफाइन कर दिया है, देन आप यहाँ पे मेक सिलेक्शन अगर करोगे तो सिंगल सिलेक्शन होगा, देखो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक साथ सभी का सिलेक्शन करना चाहते हैं कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल एंटर हम करेंगे तो सभी पेन टूल से रिलेटेड का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और मास्क हम यहाँ पे यूज करेंगे तो मास्क वाला जो लेयर है इसका सिलेक्शन करना जरूरी है, और कंट्रोल शिफ्ट आई से इनवर्स सिलेक्शन हो गया, यानी जो एरिया हमने डिफाइन करा था उसके बाहर का सिलेक्शन हो गया। देन वहां पे हम डिलीट बटन की जगह, या तो डिलीट कर सकते हैं तो हट जाएगा, बट हम ब्लैक यूज कर रहे हैं तो वो चीज आप कर सकते हो, अल्ट बैक स्पेस यूज करके वो जो बटन है वो हाइड कर देगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो मास्किंग को यूज करना है। मास्क के फीचर्स काफी हेल्प करते हैं आपके डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल जो आपका डिजाइन का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी चीजें जैसे ब्राइटनेस कंट्रास्ट या फिर लेवल्स पे अगर काम करना चाहते हैं तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। मैंने फोटोशॉप का लोगो लगा दिया है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे लेवल पे फिर से हम चले जाते हैं और यहाँ पे इसे थोड़ा सा एडजस्ट और करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल जो जितना भी पार्ट है यानी बैकग्राउंड का फोरग्राउंड का, इन सभी पे ये जो है एक साथ अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो लेयर एडजस्टमेंट पे जाकर इन सभी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय करा होगा। तो इस तरह के और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और चेक कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ग्राफिक्स मेंटर, और यूट्यूब चैनल के अलावा मैं वहां पे भी एक्टिव रहता हूँ। सभी लिंक्स वहां पे आपको भी मिल जाएंगे। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।